नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिसिन जानकारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दवाइयों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप और टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों, ये टेबलेट किन किन बीमारी में उपयोग किया जाता है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक बने रहे, तभी दोस्तों आपको इस टेबलेट की सही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, ये आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पे मिल जाएगी। MRP की बात करूँ तो 125 रुपया इस टेबलेट की MRP है। और इसमें सॉल्ट मिलाया गया है सिफिक्सिन 200 mg एंड ओप्रोक्सासिन 200 mg, इसमें सॉल्ट मिलाया गया है। दोस्तों, इस दवा को मार्केट करता है नेक्स्ट जेन हेल्थ केयर द्वारा, इस टेबलेट को मार्केट किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं आप किन किन बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक दवा है। इस दवा का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा का इन्फेक्शन, स्किन पे फोड़े फुंसी हो गए हो, फेफड़ों का संक्रमण होना, न्यूमोनिया, गोनोरे का संक्रमण, कान में इन्फेक्शन होना, नाक का संक्रमण, गले में खराश, गले में इन्फेक्शन होना, गले में दर्द, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होना, टॉन्सिल की समस्या, आँखों का संक्रमण, प्रोस्टेटाइटिस, साइनस, टाइफाइड बुखार हो गया हो, कान में दर्द रहता हो, फेफड़ों में सूजन आ गई हो, फेफड़ों में बलगम जम गए हो, आंखों में सूजन आ गई हो, तो दोस्तों ऐसी बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस टेबलेट के डोज के बारे में। तो दोस्तों, एडल्ट व्यक्ति को एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद आपको इस टेबलेट का उपयोग करना है। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि पेट का दर्द, चक्कर आना, एलर्जी, लाल चक्कते, दस्त होना, पेट में गैस बनना, सिर दर्द, मतली उल्टी होना। इस टेबलेट को लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नज़र आए, तो दोस्तों एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, इस टेबलेट में मिला है कंटेंट से आपको पहले से कोई एलर्जी है, तो इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर दोस्तों आप पहले से किसी भी प्रकार की मेडिसिन या एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं, तो इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, जान लेते हैं किन किन लोगों को इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको लीवर का कोई रोग है, ड्रग एलर्जी, आंतों में सूजन है, पेट में सूजन है, थायराइड है, शुगर है, गुर्दे की कोई बीमारी है, हृदय रोग है, एसिडिटी की कोई समस्या है, पोटेशियम की कमी है, कैल्शियम की कोई कमी है, तो दोस्तों आप इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अल्कोहल के साथ इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।